हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हमारी जो यूनिट वन है दी बैगर रिटन बाय एंटन चेखव, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस यूनिट। अब हमें ये जो चैप्टर है क्वेश्चन आंसर करने से पहले रिमेंबर वन थिंग कि आपको इस चैप्टर को जरूर सुनना है। मैंने ये चैप्टर को लाइन वाइज रीड करके अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे सेमेस्टर वन के सारे चैप्टर्स का और सेमेस्टर टू के सभी चैप्टर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक दो चैप्टर पेंडिंग है, वो भी दो चार दिन में हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें चार सेक्शंस हैं, एक ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है, उसके नीचे ये चार क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम का जो पेपर है उसमें तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन आएंगे कोई वन मार्क के लिए, कोई टू मार्क्स के लिए, कोई फाइव मार्क्स के लिए, कोई टेन मार्क्स के लिए और कोई ट्वेंटी मार्क्स के लिए। हु इज स्कोवर्त्सोव, स्कोवर्त्सोव जो है वो कौन है? Why did he fly into a rage? वो जो था क्वेश्चन आपके साथ करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है Who is Skvortsov? जो Skvortsov है वो कौन है? तो जब चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही है Skvortsov इज ए लॉयर, वो कौन है? वो एक वकील है। Why did he fly into a rage? और रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर, वो गुस्से में क्यों आ गया। यहाँ पे देखो FLY, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, मतलब उड़ने नहीं लगा वो गुस्से से, गुस्सा आने के लिए ही ये पूरा यहाँ से फ्लाई इनटू ए रेज यहाँ तक लगाया जाता है। उन्हें उसे गुस्सा क्यों आ गया, उसे क्रोध क्यों आ गया, किसे? इसको Skvortsov को। तो Skvortsov को, Skvortsov फ्लू इनटू ए रेज बिकॉज द बेगर वॉज कंटिन्यूसली लाइंग टू हिम एंड दिस अराउज्ड हिज डिस्गस्ट एंड एंगर। Skvortsov को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जो बैगर था, जो भिखारी था, वो क्या कर रहा था? कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, लाइंग मीन्स झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो लगातार जो है Skvortsov से, जो एडवोकेट है, जो लॉयर है, उससे झूठ बोल रहा था। एंड दिस अराउज्ड हिज डिस्गस्ट एंड एंगर। और इसने क्या किया? इसने उसकी डिस्गस्ट होती है घृणा, एंड एवर्जन होती है नफरत। और इससे उसे, मतलब दोनों का मतलब घृणा भी होता है, लेकिन अब दो वर्ड एक साथ दिए गए हैं तो उनको अलग अलग सेंस में यूज़ किया गया है। तो इसकी वजह से Skvortsov का क्या गया था? उसकी, उसका जो था गुस्सा, मतलब उसकी जो थी नफरत और जो घृणा थी वो बढ़ गई थी, उसके अंदर पैदा हो गई थी, क्योंकि उसको पता था ये कंटिन्यूअसली जो है मुझसे बार बार झूठ बोले जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द बैगर रिएक्ट टू Skvortsov एंगर। बैगर ने, भिखारी ने, जब Skvortsov को गुस्सा आया था तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? रिएक्शन होता है ना, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, एन एक्शन, ए रिएक्शन अगेंस्ट एनी एक्शन। तो यह है रिएक्ट, रिएक्ट करना मतलब किसी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया देना। तो भिखारी ने जो था Skvortsov के गुस्से के प्रति जो था क्या रिएक्शन दिया? The beggar at first defended himself. भाई भिखारी ने क्या किया? पहले तो खुद को डिफेंड किया, मतलब खुद का बचाव किया। Protested with oaths. Protest का मतलब होता है विरोध करना, और oaths होती है शपथ, कसमें। और उसने शपथ खा के, कसम खा के क्या किया? उसने मतलब बोला, भाई जैसे नहीं लोग बोलते मैं तो कसम खा रहा हूँ भाई मैंने तो ये काम बिल्कुल नहीं किया, ऐसे उसने शपथ लेकर विरोध किया। Then he sank into silence and hung his head. लेकिन बाद में क्या हुआ? He sank into silence. बाद में वो मौन हो गया। एंड हंग हिज हेड, और उसने अपना जो था सर जो था वो शर्म से झुका लिया। ओवरकम विथ शेम, और मतलब वो बहुत जो था शर्मिंदा हुआ। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है ये वाले सेक्शन का, व्हाट डिड Skvortsov लव एंड प्राइज इन हिमसेल्फ। Skvortsov को अपने आप में क्या पसंद था, और वो क्या, मतलब अपने आप को किस चीज़ के लिए वो सम्मानित करता था, मतलब पुरस्कार करता था। एक बात देखो, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ के साथ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आंसर मैं बता रही हूँ इनको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज करके आपको मिल जाए तो आप आंसर को ड्राफ्ट कर सको खुद से। इसलिए क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको रटना बिल्कुल भी नहीं है, उनको समझना है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके मिल जाए और वो आपके समझे हुए रहेंगे तो आप खुद से सेंटेंस के जो, क्वेश्चन के जो आंसर हैं उन्हें ड्राफ्ट कर पाओ और ड्राफ्ट करके उन्हें आंसर कर पाओगे। क्योंकि जरूरी नहीं है ना सेम एज इट इज जो बुक में क्वेश्चन है वही आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगे, लैंग्वेज चेंज करके भी तो मिल सकते हैं ना, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले लो लेकिन साथ के साथ इन्हें समझ लो ताकि आपको इन्हें क्रैम ना करना पड़े, इन्हें रटना ना पड़े, आपको आप बना के लिख सको। तो Skvortsov जो है वो अपने आप में क्या पसंद और पुरस्कार करता, मतलब खुद को वो प्राइज़ देता है। Skvortsov लव्ड एंड प्राइज्ड इन हिमसेल्फ काइंडलीनेस। और उसको क्या, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है ना कि वो बहुत दयालु था, उसके अंदर दयालुता थी। ए फीलिंग हार्ट, एक मतलब महसूस करने वाला दिल, मतलब दिल के अंदर भावनाएं थी। कहते नहीं इसके तो, ये तो बड़ा ही बेदिल है यार, बेदर्दी, इसके अंदर तो भावनाएं नहीं है। मतलब किसी के दुख को देखकर वो समझता था, किसी की खुशी को देखकर खुश होता था, दुख को देखकर दुखी होता था। मतलब ए फीलिंग हार्ट था उसका, ऐसा दिल
था जो महसूस करता था दूसरों की खुशियों को और तकलीफों को, एंड सिंपैथी फॉर द अनहैप्पी, और उसके लिए मतलब दूसरे जो दुखी लोग थे उनके लिए उसके दिल में सहानुभूति थी। मतलब क्या करता था वो, स्कोरसोव अपने आप में दयालुता, दिल की भावना और दुखी लोगों के लिए सहानुभूति से वो प्यार करता था और उसकी सराहना करता था। लव्ड मतलब प्यार करना, एंड प्राइज्ड इन हिमसेल्फ मतलब अपने आप को सराहता था, अपने आप को अप्रिशिएट करता था। अब आता है हमारा सेक्शन बी, ये देखो ये ए सेक्शन यानी कि अनसीन पैसेज वाले चारों क्वेश्चन हो गए हैं। ये सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी की बुक है। बी सेक्शन देखो कंपल्सरी इंग्लिश की बुक है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस ईच, एक सेंटेंस में इनको आंसर करना है आपको। ये एक मार्क के लिए भी आ सकता है, टू मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अब आंसर को लिखते समय ध्यान रखना है, अगर वन सेंटेंस में बोला है तो फुल पेज नहीं लिख देना है, कि एक पैराग्राफ तक नहीं लिखना है, वन लाइन में ही आंसर देना है। उसी तरीके से जो सी सेक्शन है उसका 30-40 वर्ड्स है, मतलब अराउंड एक छोटा सा पैराग्राफ में ही आंसर देना है आपको। 30 वर्ड्स भी हो सकता है और 40 वर्ड्स भी हो सकता है, 300 और 400 नहीं बनाना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर 150 वर्ड्स में करना है। 150 वर्ड्स है मतलब एक पेज में ही लगभग अराउंड आंसर आ जाएगा, उसको 500 का नहीं बना देना है। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स या 15 मार्क्स जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना होता है। तो दूसरा पार्ट देखते हैं बी वाला, आंसर इन वन सेंटेंस ईच। Why did Skvortsov refuse to give Lushkov any money? Skvortsov जो है वो लुश्काव को कोई भी रुपया देने से, कोई भी पैसा देने से इनकार क्यों किया? Skvortsov refused to give any money to Lushkov. Skvortsov ने refuse का मतलब होता है मना करना, इनकार करना, ने लुश्काव को कोई भी मनी देने से इनकार कर दिया। Because क्योंकि Lushkov was an alcoholic, क्योंकि Lushkov जो था वो एक शराबी था, and he had wasted all his money on buying the alcohol. और उसने अपना सारा का सारा पैसा जो है वो शराब खरीदने में बर्बाद कर दिया था। Question B2, What kind of lies did Lushkov tell Skvortsov in order to obtain money from him? Lushkov जो है वो Skvortsov से पैसे लेने के लिए किस तरह का झूठ उसने बोला? To obtain का मतलब होता है प्राप्त करना। देखो ये verb की first form है, क्या है ये V1 है, V1 मतलब verb की first form। verb की तीन form होती हैं, V1, V2 और V3। जो V1 है ना verb की जो first form है उससे पहले जब 2 आता है तो वो infinitive बन जाता है। To obtain मतलब प्राप्त करना, to give मतलब देना, to release मतलब किसी को मुक्त करना, to लगाते ही ये infinitive बन जाता है और ये ना में एंड होता है ये हिंदी में। To obtain, to go, to read। In order to beg alms and earn sympathy, अब देखो भिक्षा मांगने, alms का मतलब होता है भिक्षा मांगने के लिए, and earn sympathy का मतलब होता है सहानुभूति, और सहानुभूति अर्जित करने के लिए Lushkov told different lies to people, Lushkov ने लोगों से अलग अलग तरह के lies झूठ जो है वो बोले थे। He would claim to be a student who had been expelled or a village school teacher who had lost his job because of the interviews and lies of others. मतलब वो किस किस तरह के झूठ बोलता था भिक्षा मांगने और सहानुभूति अर्जित करने के लिए। Lushkov ने लोगों से तरह तरह के झूठ बोले, बोला मैं तो वो तो एक ऐसा छात्र होने का दावा करेगा जिसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, मतलब निष्कासित कर दिया गया था, निकालते ना एक्सपेल कर दिया जाता है किसी, या फिर वो एक स्कूल का मतलब एक स्कूल विलेज मतलब ग्रामीण यानी कि वो ग्रामीण स्कूल शिक्षक था जिसने दूसरों की साजिश और छूट के कारण अपनी नौकरी खो दी। मतलब दूसरे लोग जो है जो और स्कूल टीचर थे वो उसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते थे जिस वजह से उसकी जो है जॉब जो है वो चली गई। क्वेश्चन B3, व्हाट डिड Lushkov एक्चुअली नीड मनी फॉर? Lushkov को वास्तव में पैसे की क्या आवश्यकता थी? Lushkov नीडेड मनी टू बाय अल्कोहल, सीधा सा पता है फंडा है कि भाई उसको तो वो तो शराबी था तो उसको किस लिए मनी चाहिए थी? उसको शराब पीने के लिए, शराब खरीदने के लिए मनी चाहिए थी। टू बाय देखा फिर से इन्फिनिटिव आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। क्वेश्चन B4, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड Lushkov डू फॉर Skvortsov इन हिज एम्प्लॉयमेंट? अपने व्यवसाय में वो जो है उसके लिए किस किस तरह के काम करता है Lushkov Skvortsov के लिए? देखो Lushkov chopped wood, Lushkov ने क्या किया उसने जो था लकड़ी काटी, Lushkov ने उसके लिए क्या किया लकड़ियाँ काटी। Shoveled स्नो और फावड़े से उसने क्या किया बर्फ हटाई, Shoveled स्नो मतलब फावड़े से उसने बर्फ हटाई।
पुट दी वुड शेड इन ऑर्डर, और जो मतलब लकड़ी के शेड था उसको व्यवस्थित किया। बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, और जो मतलब कालीन और गद्दे थे उनसे उसने रग्स एंड मैट्रेसेस, मतलब मैट्रेसेस होते हैं गद्दे और रग्स होते हैं कालीन वगैरह, उनसे उसने क्या किया, धूल और डस्ट वगैरह जो थी वो हटाई। एंड हेल्प्ड इन द पैकिंग एंड मूविंग ऑफ द फर्नीचर एट स्कॉट्स हाउस, और उसने क्या किया, जो स्कॉट्स हाउस के घर में फर्नीचर की पैकिंग और जो शिफ्टिंग हो रही थी उसमें उसने मदद की। कितने सारे काम किए उसने, देखो काम तो उसने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया था, सारा काम तो वो करती थी जिसका ओल्गा का आगे अभी नाम आने वाला है, चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको, सुनोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बी फोर भी हो गया, आगे मूव करते हैं। बी सेक्शन के चारों क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं सी सेक्शन पे, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट सी पे, पार्ट सी के देखो ये चार क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड स्कॉर्त्सोव एम्प्लॉय द बैगर लुश्कोव, जो स्कॉर्त्सोव है वो बैगर लुश्कोव को यानी कि भिखारी लुश्कोव को नौकरी पर क्यों रखता है। देखो व्हाई डिड यहाँ पे पास्ट है, क्यों रखा उसने, और पास्ट का आंसर भी पास्ट में ही होगा। लुश्कोव वॉज एन एल्कोहलिक, लुश्कोव जो था वो एक शराबी था, एंड ही हैड वेस्टेड ऑल हिज मनी ऑन बाइंग द एल्कोहल, और उसने अपने सारे के सारे पैसे को शराब खरीदने में बर्बाद कर दिया था। स्कॉर्त्सोव हेल्प्स हिम बाई गिविंग हिम द जॉब ऑफ चॉपिंग वुड, और जो स्कॉर्त्सोव था वकील था वो बहुत दयालु था, इसलिए वो क्या करता है, वो उसे जॉब देता है, नौकरी देता है वुड चॉपिंग की, लकड़ियाँ काटने की, क्योंकि फॉरेन में भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बर्फ गिरती है सालों भर, तो वो लोग क्या करते हैं लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उनको 12 महीने मतलब हमेशा ही लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो स्कॉर्त्सोव ने उसको क्या किया, लकड़ी काटने का काम दिया एट हिज हाउस अपने घर में, एंड थिंक्स दैट ही वुड चेंज हिज वेज, और उसको क्या लगता है कि भाई ये जो है ना मतलब उसकी मदद कर रहा है, ये सोचता है कि ये ना अपने तरीके बदल देगा, मतलब ये ना भीख मांगनी छोड़ देगा और ये ऐसा काम नहीं करेगा, ये मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन जिएगा। What a cross creature she is, who says these words about whom? Do you agree with the speaker's opinion? क्या आप स्पीकर की ओपिनियन से एग्री करते हैं? देखो क्वेश्चन क्या है, वॉट ए स्ट्रॉन्ग, मतलब कैसी विचित्र प्राणी है ये, कहीं बाहर से नहीं लिया गया है ये, देखो बुक में दिखाती हूँ, ये बुक में ही है आपका, ये देखो C2 का जो क्वेश्चन है ये देखो, मतलब ना बाहर से आंसर है, सारे आंसर भी मैंने इसी में से लिखे हैं आपके, और क्वेश्चन भी सारे इसी में से हैं। देखो चैप्टर ध्यान से सुनना, ये What is most likely we interrupted the woman drinking her coffee? अब वो क्या, उसको क्या लगता है कि भाई मैंने ना जो ये महिला है जो ओल्गा है इसको कॉफ़ी पीने से, अभी आप मान लो चाय या कॉफ़ी कुछ पीने के लिए बैठे और उसी समय आपको कोई बोल दे भाई ये वाला काम कर दो, तो क्या होगा, आपकी चाय कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी ना, और आपको लगेगा कुछ फ़ायदा ही नहीं है भाई चाय कॉफ़ी पीने का। तो स्कॉर्त्सोव जब ओल्गा को बोलता है ये कुछ करने के लिए, तो वो बहुत ख़राब मान जाती है, वो कहता है किसी विचित्र प्राणी है, और ये हम कब यूज़ करते हैं, ये तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को उसका पसंद वाला जो कार्य है वो करने से रोक देते हैं। तो जो क्वेश्चन C2 है देखो आपके चैप्टर में से ही है, मैक्सिमम आपके चैप्टर में से ही है, बाहर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। व्हाट ए क्रॉस क्रीचर शी इज, हु सेज दीज वर्ड्स अबाउट हुम, ये शब्द कौन कहता है और किसके बारे में कहता है। डू यू एग्री विद द स्पीकर्स ओपिनियन, क्या आप स्पीकर की ओपिनियन से एग्री करते हैं? तो अभी आपको चैप्टर में दिखा दिया ना कि जो स्कॉर्त्सोव है वो ये शब्द किसके बारे में कहता है, ओल्गा के बारे में कहता है कि भाई कितनी विचित्र प्राणी है, और अब ये कह रहा है कि आप एग्री करते हो या नहीं। हाँ भाई मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, एंड आई एग्री विद द स्पीकर्स ओपिनियन, और मैं मुझे स्पीकर की जो ओपिनियन है मतलब जो वक्ता है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिकॉज क्योंकि उन्होंने क्या किया, इंटरप्ट किया था, मतलब बाधा डाल दी थी, जो वुमेन थी, वुमेन कौन थी, ओल्गा थी, ओल्गा जो थी वो जब कॉफी पी रही थी तो उसने क्या किया था, उसको डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि उसने महिला को जो था ओल्गा को कॉफी पीते हुए रोका था। अब देखो ये व्हाट ए क्रॉस क्रीचर शी इज, इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहती है, कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो इसे डिफाइन करती है कि क्रॉस, क्रॉस का मतलब है एस टू एनॉय समवन, किसी को गुस्सा दिला देना बाय नॉट डूइंग और सेइंग व्हाट दे वांट, उनको वो ना करने देना या फिर वो ना कहने देना जो वो करना चाहते हैं। तो ओल्गा उस समय क्या करना चाहती थी, कॉफ़ी पीना चाहती थी, लेकिन स्कॉर्त्सोव ने उसको दूसरा काम बोल दिया कि भाई लुश्कोव को लेके जाओ ये सब व्हाटएवर, तो क्या था कि भाई वो बहुत गुस्सा हो गई थी, इस वजह से ये क्रॉस जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, मतलब किसी को गुस्सा दिला देना, ऐसा कौन बोल रहा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोल रही है, और आपका आंसर ये रहा, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्वेश्चन C3, व्हाट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ओल्गा, मतलब ओल्गा के बारे में जो है आपकी जो पहली राय है वो क्या है कि भाई ओल्गा कैसी महिला है, क्या है, आप क्या सोचते हो ओल्गा के बारे में। तो देखो भाई क्या है, देखो
ये कह रहा है कि भाई पहली जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपका, कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहला इंप्रेशन, इंप्रेशन को वैसे बोलते हैं धारणा, कि भाई ओल्गा के बारे में आपकी जो है वो क्या धारणा है. तो आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ओल्गा इज फॉर्म्ड बाई वॉट स्क्वॉर्ट्सोव सीज थ्रू द विंडो ऑफ द डाइनिंग रूम. जब डाइनिंग रूम की विंडो में से स्क्वॉर्ट्सोव जो है उसे देखते हैं ओल्गा को, तब हमारे मतलब खिड़की से देखने पर हमारी पहली जो धारणा है वो बनती है. डाइनिंग रूम मतलब जो भोजन कक्ष होता है ना, जहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम की विंडो से देखते हैं वो ओल्गा को नीचे. ओल्गा डज नॉट सीम टू लाइक द बैगर एंड इज वेरी रफ विद हिम. और ओल्गा ऐसा लगता है जैसे ओल्गा ना उस बैगर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रफ यानी कि अभद्र व्यवहार करती है. शी ट्रीट्स हिम बैडली, और वो बहुत उसके साथ बुरा व्यवहार करती है. बैडली मतलब बुरे तरीके से. फर्स्ट शी लुक्स एट हिम इन एंगर, पहले वो उसे गुस्से में देखती है. देन यूज्ड हर एल्बो टू मूव हिम असाइड, और फिर वो उसे क्या करती है, अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके उसे एक तरफ हटा देती है, मतलब ऐसे कोहनी से पुश करके उसे एक तरफ हटा देती है. एल्बो होती है कोहनी आपकी. इन वॉट वे डिड ओल्गा हेल्प लुश्कोव, जबकि इनडायरेक्टली तो आपने चैप्टर में देखा है ना कि ओल्गा ही हेल्प करती है लुश्कोव की. सिर्फ अकेली ओल्गा होती है जिसकी वजह से लुश्कोव जो है सुधरता है, न कि मिस्टर स्क्वॉर्ट्सोव के काम देने की वजह से. क्वेश्चन C4 देखो. इन वॉट वे डिड ओल्गा हेल्प लुश्कोव, और ओल्गा ने लुश्कोव की किस तरह से मदद की. शी हेल्प हिम, वो एक आदमी है. शी हेल्प हिम बाई चॉपिंग द वुड्स, उसने क्या किया, उसके लिए लकड़ियाँ काटी. एंड शी डिडंट टेक एनी मनी फ्रॉम हिम, और उसने उससे कोई पैसा भी नहीं लिया. हर लड़कियों के लिए यूज़ होता है और हिम जो है वो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, और उसने उससे कोई पैसा भी नहीं लिया. लुश्कोव डिडंट डू एनी वर्क फॉर ही टेक्स ऑल द मनी दैट इज़ हाफ ए रूबल. लुश्कोव तो कोई काम भी नहीं करता. देखो लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब चॉप कौन करती है, बर्फ हटाती है, शॉवल करती है, कौन करती है, सब कुछ ओल्गा करती है. लुश्कोव कुछ भी नहीं करता, वो बैठा रहता है. उसके बाद भी वो क्या करता है, सारे पैसे ले लेता है. मतलब स्क्वॉर्ट्सोव उसको जो पैसा देता है उसमें से वो ओल्गा को कुछ भी नहीं देता, हाफ रूबल्स वो उसे देते हैं काम के लिए, और वो सारे के सारे पैसे कौन रख लेता है, लुश्कोव रख लेता है. ओल्गा डिडंट टेक एनी मनी फ्रॉम लुश्कोव, और ओल्गा जो है वो लुश्कोव से, लुश्कोव के लिए LUSHKOV है वी, ओल्गा जो है वो लुश्कोव से कोई भी मतलब पैसा नहीं लेती है. दो शी डिड ऑल द वर्क फॉर हिम, जबकि सारा काम उसके लिए कौन करता है, वही करती है. कैरेक्टर स्केच ऑफ लुश्कोव, अब लुश्कोव का हमें कैरेक्टर स्केच बनाना. कैरेक्टर स्केच मतलब कैरेक्टर स्केच काफ़ी आता है आपके यहाँ पे देखो, और कैरेक्टर स्केच सिर्फ लुश्कोव का नहीं, स्क्वॉर्ट्सोव का भी आ सकता है या फिर ओल्गा का भी आ सकता है. इसलिए चैप्टर सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि चैप्टर सुनने के बाद आपको अगर मान लो आ जाए कि भाई ओल्गा का कैरेक्टर स्केच, तो आप बता सकते हो ना कि ओल्गा एक काइंड हार्टेड लेडीज थी, वो कैसे लुश्कोव की हेल्प करती है. तो इस तरीके से कैरेक्टर स्केच देखना बहुत ज़रूरी है. तो लुश्कोव को देखते हैं. लुश्कोव इज ए बैगर हु लाइज अबाउट हिज, अब देखो आपको तो पता ही है लुश्कोव के बारे में सारी बातें, कि वो एक भिखारी था और झूठ बोलता है, मतलब तड़ा के, मतलब लुश्कोव इज ए बैगर, लुश्कोव कौन है, वो एक भिखारी है. हु लाइज, जो झूठ बोलता है, अबाउट हिज प्लाइट टू अराउज द सिंपैथी ऑफ अदर्स एंड गेट आइम्स इन रिटर्न, जो मतलब दूसरों की सहानुभूति जगाने और बदले में भिक्षा पाने के लिए अपनी दुर्दशा के बारे में झूठ बोलता है. प्लाइट का मतलब होता है दुर्शना. लाइज अबाउट हिज प्लाइट मतलब कि अपनी दुर्दशा के बारे में लोगों से झूठ बोलता है, खराब खराब बोलता है, ताकि लोग क्या करें, उसकी हेल्प करें. ही समटाइम्स इज एन एक्सपेल्ड स्कूल मास्टर, देखो वही पुराना वाला आंसर मैंने रिपीट किया है. कभी कभी तो वो बोलता है कि वो एक एक्सपेल किया हुआ स्कूल मास्टर है, या और एक्सपेल किया हुआ स्टूडेंट है, मतलब और उसकी नौकरी क्यों जाती है, कि और जो स्कूल के टीचर थे वो उसके बारे में पॉलिटिक्स करते हैं और उसे निकलवा देते हैं, या फिर वो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे एक्सपेल कर दिया जाता है. दिस इज हिज फॉल्सिटी, और ये सब क्या है, ये सब उसका झूठ था. His clothes are torn and untidy, उसके कपड़े जो हैं वो फटे हुए और untidy मतलब अस्त व्यस्त हैं. And his eyes are dull and drunken, और उसकी जो आँखें हैं वो कैसी हैं, वो बिल्कुल मतलब सुस्त हैं और नशे से भरी हुई हैं. drunken मतलब नशे से भरी हुई, dull मतलब सुस्त हैं. He lacks both physical and emotional strength, और वो physical और emotional strength मतलब उसमें जो है शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की ताकत की कमी है. Because alcohol has made him weak, क्योंकि जो शराब है उसकी वजह से वो जो है कमज़ोर हो गया है. कौन कमज़ोर हो गया है, लुश्कोव कमज़ोर हो गया है, क्योंकि वो हमेशा शराब पीता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो वीक हो गई है. ये देखो, ये सी सेक्शन में चार ही क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है आपको, कैरेक्टर स्केच ऑफ लुश्कोव. अब मैंने आपको सिर्फ कैरेक्टर स्केच ऑफ लुश्कोव बताया है, लेकिन आपको जो एडवोकेट है स्क्वॉर्ट्सोव और जो ओल्गा है, इनके कैरेक्टर स्केच भी देख लेने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है लुश्कोव का, स्क्वॉर्ट्सोव का भी आ सकता है, ओल्गा भी आ सकती है, तीन ही कैरेक्टर हैं इसमें, तो तीनों का कैरेक्टर स्केच आप देख लेना. ऐसे ही आप समझ जाओगे थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको लुश्कोव का दिया है वैसे ही.
अब आती है बारी डी सेक्शन की। डी सेक्शन में हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आंसर 150 वर्ड्स में देना है, ये देखो। और एक ये तो 3 क्वेश्चन हो गए लॉन्ग, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो, और मैंने 2 एक्स्ट्रा भी दिए हैं आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और ये 5 क्वेश्चन ही इसमें दिए गए हैं। तो आपको इसका ना सेपरेट वीडियो, लॉन्ग क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको लॉन्ग वीडियो के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Sai को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।